नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पर। मैं हूं सूरज और दोस्तों आज मैं आपको लेकर के आ गया हूं हमारे दल्लीराजहरा शहर का बहुत ही बढ़िया पिकनिक स्पॉट, जहां पर लोग अभी नया साल था तो पिकनिक मनाने के लिए आए थे और बहुत ही ज्यादा मतलब चर्चित है। इस डैम का जो नाम है वो है चिखली डैम, आप तक देख सकते हैं मेरे पीछे। अभी मैं आ जाऊंगा पास से भी आपको उसका रिव्यू दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आप सबसे बता देना चाहता हूं कि बचपन से मतलब कि इस डैम में मैं कई बार नहाया हूं और दल्लीराजहरा में रहता हूं, आपको पता ही होगा, तो बहुत सारी यादें मतलब इस डैम से मेरे साथ जुड़ी हुई है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैं अभी डैम के पास पहुंच चुका हूं और बहुत ही जबरदस्त नज़ारा है इधर का। आप देखेंगे तो मतलब बहुत अच्छा लगता है। अगर आप रियल में यहाँ पर आते हैं और इस चीज़ का अनुभव करते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। मोबाइल से देखने से आपको उतना अच्छा नहीं लगेगा जितना रियल में डैम का नज़ारा होता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा आपको रियलिटी को वीडियो के माध्यम से दिखाने का, मतलब आपको महसूस करवाने का, ठीक है। तो आप देख सकते हैं चारों ओर का नजारा कैसा है इधर का और इस ओर का देखिए। तो पार्टी मनाने के लिए अगर आप जब भी आना चाहते हैं तो उस छोर पे आप आ सकते हैं, ठीक है। ये जो एरिया है ना चिखली का, चिखली एक्चुअल में चिखली डैम, मैं आपको बताना भूल गया था एक्चुअल में कि चिखली डैम का नाम चिखली डैम क्यों पड़ा। तो चिखली डैम एक्चुअल में क्या है, चिखली यहाँ पर जो आगे में गांव है उसका नाम है चिखली, इसलिए इस डैम का नाम पड़ा चिखली डैम, ठीक है। और ये दल्लीराजहरा से ज्यादा नहीं, मुश्किल से 7 किलोमीटर की दूरी पर होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट रोड है यहाँ पर आने के लिए, आप सीधा आ सकते हैं, तो बहुत ही जबरदस्त है। और यहाँ पर देखिए इधर का जो एरिया मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये पहाड़ वाला एरिया, ठीक है। तो इधर एडवेंचर करने के लिए आप जा सकते हैं दोस्तों के साथ, इधर भी पिकनिक आप मना सकते हैं। तो पिकनिक मनाने के लिए मतलब कोई वो नहीं है कि यहाँ चारों ओर में कहीं पर ही मना सकते हैं, लेकिन वो वाला जो एरिया है ना मैदान टाइप का इलाका है वो, जो सीधा इलाका है, और ये वाला जो इलाका है बाजू में ही रोड है करके थोड़ा यहाँ पर थोड़ा दिक्कत होता है पिकनिक मनाने के लिए। उस एरिया में आएंगे जाएंगे आप वहाँ पर क्या है ना, आप आराम से पार्टी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि वो थोड़ा अंदर है रोड से। उस साइड का एक और रोड है, दो रोड है बता रहा हूँ मैं आपको, एक जो रोड है भानु प्रतापपुर वाला रोड है जो उस एरिया का है, ठीक है, जो चोरा पड़ाव से अलग होता है, ठीक है। तो भानु प्रतापपुर वाले रोड से जाएंगे तो कम से कम 2 किलोमीटर बाद या 1 किलोमीटर बाद एक रास्ता है, इधर जंगल के अंदर आएंगे तो ये डैम आएगा। तो देख सकते हैं मेरा स्कूटी वहां पर खड़ा है और मैं आपको नहर का एक्चुअल में व्यू दिखाने वाला हूं। देखिए नहर यहां से पानी जा रहा है, इधर से होते हुए इधर से गांव की ओर जाएगा और सारे खेतों में दोस्तों सिंचाई किया जाता है। तो दोस्तों अभी मैं डैम के दूसरी छोर में आ चुका हूँ, जिस छोर की बात मैंने पहले की थी। तो देखिए इस साइड का व्यू कैसा है, दोस्तों लगभग दोनों साइड का मैं नजारा डैम का आपको दिखा चुका हूँ। और पिकनिक मनाने के लिए ये सबसे बेस्ट प्लेस है, ठीक है, यहाँ पर आप नहा भी सकते हैं आराम से, ठीक है। और वहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग आए हुए हैं, दिल्ली से आए हैं शायद, वो लोग बाइक आपको दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पर वो लोग खड़े हैं, वहाँ पर वो लोग खाना वाना बना रहे हैं। और खास बात मैं ये बता देना चाहता हूँ आपको कि दल्लीराजहरा और आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ का वीडियो बहुत ही जल्द हमारे चैनल पर आने वाला है, ठीक है। ऐसे ऐसे जगह है जिनका आज तक किसी ने वीडियो नहीं बनाया, उन जगह का भी वीडियो बहुत ही जल्द बनने वाला है, ठीक है। मैं जहाँ पर बचपन में खेला हूँ, कूदा हूँ, बड़ा हुआ हूँ, ऐसे ऐसे लोकेशन मेरे को पता है, लेकिन मैं कभी वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मैं घूमने जाता हूँ, वहाँ इंजॉय करने जाता हूँ, ठीक है। तो अब सोचा हूँ कि क्यों ना अपने जगह को ही अच्छे से एक्सप्लोर किया जाए। तो बहुत ही जबरदस्त होगा आने वाला जो ब्लॉग है दल्लीराजहरा का जंगल, तो उसको आप जब देखेंगे तो बहुत ज्यादा मजा आएगा, लेकिन कब आएगा ये नहीं बोल सकता, चैनल सब्सक्राइब करके रखें, लेकिन वो बहुत जल्द शूट होने वाला है दोस्तों, ठीक है। जंगल के अंदर में है रेल,
रेल का पटरी, ठीक है, जो हाइड है उसके जंगल के अंदर में रेल पटरी है जहाँ पेड़ उग चुके हैं, बड़े बड़े ऐसे पेड़, ठीक है। तो उस जमाने का, अंग्रेजों के जमाने का समझ लो एक तरह से वो रेल का पटरी है। तो ऐसे ऐसे जंगल के अंदर है, मतलब तो ऐसे जगह आज, मतलब मैं पता है, लेकिन मैं सोचा कि अब बनाना चाहिए, उसका समय अब आ गया, क्योंकि दिल्ली वाले अब लगभग मेरे चैनल को वॉच करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो उन दिल्ली वालों के लिए मैं दिल्ली का हिडन प्लेस लाने वाला हूँ बहुत जल्द ही, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बहुत मजा आएगा आगे तक, ठीक है दोस्तों। फिर चलो, फिर घर जा रहा हूँ यार, बहुत लेट हो गया हूँ, अकेले आज आया था शूट करने के लिए। तो फिर चलो, फिर चलता हूँ, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय बाय।